तो स्वागत है दोस्तों को नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई गेमिंग से रिलेटेड, गेमिंग 2025 इंडिया में भाई क्या सीन रहने वाला है उससे रिलेटेड। और इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, मेरी नॉर्मल वीडियो जितनी होती है उससे भी ज़्यादा मेहनत भाई इस वीडियो को बनाने में लगी है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ भी, जिसके भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई गेमिंग में कोई फ्यूचर नहीं है 2025 में इंडिया के अंदर, उसके साथ भाई ये ज़रूर शेयर कर देना। तो अगर आपके दिल में भी भाई कन्फ्यूज़न है कि गेमिंग का भाई डाउनफॉल शुरू हो चुका है और बहुत सारी वीडियो देख के आपके माइंड में भाई बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि क्या हमें भाई यूट्यूबर बनना चाहिए, क्या हमें भाई गेमिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेमिंग सिनेरियो का कि भाई इंडिया में गेमिंग का क्या सिनेरियो। तो गेमिंग के मामले में भाई सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना प्लेयर्स के मामले में। दूसरे नंबर पे बात करें वो आता है भाई इंडिया। और अगर प्लेयर्स की बात करोगे ना तुम इंडिया में, तो 2022 के अंदर भाई 40 करोड़ गेमर थे, 2023 के अंदर भाई 42 करोड़ गेमर, 2024 के अंदर भाई 44 करोड़ गेमर, और भाई 2025 में होने वाले हैं 46 करोड़ गेमर के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली इतने गेमर भाई इंडिया में होने वाले हैं। और अगर इस डाटा की बात करोगे तो भाई ये 2028 तक पहुंच जाएगा 53 करोड़ गेमर। तो भाई इतने सारे गेमर आने वाले हैं भाई 2025 तक मार्केट के अंदर। तो भाई ये चीज है कि भाई गेमिंग में भाई अभी कोई करियर नहीं है या फिर गेमिंग भाई खत्म हो रही है, तो नहीं भाई खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ वो जो पुराने लोग हैं वही जा रहे हैं भाई। इनकी एज भी ज्यादा हो गई है तो मे भी शायद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी बढ़ गई है, लेकिन भाई कोविड के टाइम पे जो है गेमर काफी ज्यादा बढ़ गए थे, अब धीरे धीरे भाई बढ़ते रहेंगे। तो ये तो बात होगी भाई यूजर की। तो अब बात कर लेते हैं भाई रेवेन्यू की कि रेवेन्यू का क्या सीन था। तो भाई 2024 में रेवेन्यू था 151 मिलियन। तो ये जो रेवेन्यू का नंबर है ना, तो ये 2027 में भाई 185 मिलियन तक हो जाएगा और ये भाई 7.1% के रेट से ग्रो करेगा। तो देख लो भाई इंडिया में गेमिंग तो भाई अभी शुरू हुई है। अभी बात कर लेते हैं डाउनफॉल की। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई गेमिंग का डाउनफॉल चल रहा है, हमें BGMI में व्यूज नहीं आ रहे हैं और गेम्स के अंदर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई 90% जो लोग हैं अब गेमर वो भाई मोबाइल डिवाइस वाले गेमर है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे भाई ये चीज काफी नहीं है भाई, 90% जो रेवेन्यू है वो भाई मोबाइल गेमिंग से आता है। तो भाई 2025 में गेम जो है भाई काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। और तुमको पता है कि हमारे PM मोदी ने भी इस चीज के बारे में बोला था कि भाई उनको भी गेमिंग को इंडिया के अंदर ग्रोथ कराना है। तो अब बात कर लेते हैं डाउनफॉल की। तो अभी फिलहाल के लिए जो डाउनफॉल चल रहा है वो डाउनफॉल देखो अभी इंडिया के मार्केट का डाउनफॉल नहीं है, वो डाउनफॉल उस एरा का है जब भाई पबजी मोबाइल जैसे गेम मार्केट में आए थे। धीरे धीरे यार ऑब्वियसली इतना टाइम उन गेम को हो गया तो वो आउटडेटेड भी रहेंगे। तो अभी भाई जो लोग उस तरह के गेम्स खेलते थे अब वो भाई कुछ नए तरह के गेम्स ढूंढ रहे हैं। और अभी भाई इंडियन मार्केट में शुरुआत हुई है, क्योंकि तुम्हें पता है इंडियन मार्केट में ही भाई बहुत सारे गेम्स बन रहे हैं। UGW बन रहा है, स्कारफॉल बन रहा है, उसके बाद वैक्स मोबाइल बन रहा है, तो बहुत सारे गेम्स बन रहे हैं। तो इंडिया का मार्केट तो अभी भाई गेमिंग के लिए खुला ही है। अभी जो चीज़ें चल रही थी वो फॉरन का मार्केट ही तुम्हें इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के गेम्स इंडिया में चल रहे थे। फ्री फायर हो गया, पबजी मोबाइल हो गया, BGMI हो गया, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो फॉरन के गेम थे जो भाई इंडिया में चल रहे थे। और इंडिया में धीरे धीरे अब वो जैसे जैसे पुराने हो रहे हैं, तो इंडिया में जो गेमर है भाई उनकी भी धीरे धीरे सोच बदल रही है और वो भी भाई दूसरी गेम्स की तरफ धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो गेम भाई अच्छे नहीं चल रहे हैं, या वो भाई बोर हो चुके हैं, या उस गेम के जो पहले बहुत तगड़े खिलाड़ी थे अब उनके ऊपर भाई जिम्मेदारियां आ गई, अब वो अपने काम धंधे पर चल गए हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको भाई चाहिए नए तरह के गेम्स, तो इसीलिए भाई इंडिया के मार्केट में जैसे गेम बन रहे हैं स्कारफॉल, UGW, ऐसे इस तरह के इंडियन मार्केट में बहुत सारे गेम बन रहे हैं जो कि उम्मीद है कि 2025 के आसपास लॉन्च हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट भी भाई गेमिंग को जो है सपोर्ट कर रही है। तो आने वाले टाइम 2025 गेमिंग के लिए इंडिया में भाई बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम लोग भाई इस चीज का फायदा अच्छे से कैसे उठा सकते हो। तो अगर भाई तुम्हारा पैशन है भाई गेमिंग यूट्यूबर बनने का, तो वो भी तुम बन सकते हो। उसके बाद भाई तुम ई स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हो, बाकी गेम डेवलपमेंट में भी तुम जा सकते हो। एक टाइम होता था कि जब इंडिया में कोई गेम डेवलपमेंट करता था तो लोग कहते थे अरे यार ये क्या गेम वूम बना रहा है, लेकिन भाई आज के टाइम पे वो चीज़ें बदल चुकी हैं। इंडिया के अंदर भी भाई बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां धीरे धीरे इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि इंडिया का गेमिंग मार्केट भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा ग्रो भी करने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये भाई हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करके पूरा डाटा निकालने के बाद, उस सब चीज़ों को देखने के बाद ही तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम्हें पता ही है यार कि एनालिसिस करने में भाई मैं कितना माहिर हूँ इस चीज़ में, इसलिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो लोग भी भाई 2025 में यूट्यूबर बनना चाहता है गेमिंग से रिलेटेड, तो वो बन सकता है, लेकिन भाई काफ़ी सारी चीज़ें उसमें तुम लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर तुम ई स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो। अभी फिलहाल के लिए करियर बनाना ई स्पोर्ट्स में मुश्किल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं बनाई है। दूसरी वजह यह भी है कि जो गेमिंग कंपनियां हैं वो भी अपनी तरफ से उनके भी कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है और वालों के लिए कि ई स्पोर्ट्स को किस तरह से चलाना है। रही बात है इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स गेम बहुत कम है अभी फिलहाल के टाइम पे, मुझे लगता है कि 2025 में बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है जो इंडियन गेम है उन्हीं
का तुम्हें अच्छा ई स्पोर्ट्स सिनेरियो देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई उन लोगों को भी ग्रो करना है और वर्ल्ड लेवल पे भाई जाना है अपने गेम को लेके, तो उसके लिए तो भाई ई स्पोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर तुमको भाई पैशन है, तुम्हारा मन करता है भाई गेम डेवलप करने का, तुम्हारे अंदर भी कोई आइडिया है, तो तुम भाई गेम डेवलपमेंट की लाइन पर भी जा सकते हो, क्योंकि इंडिया में आने वाले टाइम में इस लाइन के अंदर भाई बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली है। जैसे कि तुमको पता है कि भाई क्राफ्टन भी अपना भाई R&D खोलने वाला है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर भाई तुम्हें भी अगर तुम अच्छे गेम डेवलपर हो तो तुमको मौका मिल सकता है। और इंडिया में तो यार इतनी सारी गेम बनी रही है, जब ये गेम चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है तो इनको भाई डेवलपर की भी जरूरत पड़ेगी। अब बाहरली कंट्रियों से बंदे हायर करने से अच्छा है तो भाई अपने इंडियन लोगों को लेंगे ना, जिनको भाई इंडिया की समझ है। तो भाई आने वाला 2025 गेमिंग के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन भाई फिर भी तुम लोगों को डाउट है कि नहीं यार ऐसा नहीं होने वाला है, तो मैं तुमको ये बताऊंगा कि यार जिंदगी में अगर तुम डाउट करोगे ना तो हमेशा डाउट में ही रहोगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव रहो। और गेमिंग को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड पहले कभी नहीं था, जब से मैं 2020 से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ पहले मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता था, लेकिन जिस तरह से भाई इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाला 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 25 ही नहीं 26-27, क्योंकि देखो यूट्यूबर्स का तो फायदा होने वाला है कि बहुत सारे गेम्स आएंगे तो उनके बीच में भाई भसड़ मचने वाली है कंटेंट क्रिएशन को लेके, साथ में भाई अपने गेम को प्रमोट करने से लेके, उसके बाद भाई जॉब्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर रहने वाली है। तो अगर तुम्हें भाई गेमिंग में यूट्यूब पर करियर बनाना है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे भाई कमेंट कर देना, ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो तुमने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे रिलेटेड भाई यूट्यूब पे गेमिंग से कंटेंट क्रिएशन। अब तुम ये मत बोलना कि डेल्टा भाई आपका चैनल तो चल नहीं रहा है। तो देखो यार मैं ये यूट्यूब जो चला रहा हूँ अपने पैशन की वजह से चला रहा हूँ, पैसों वाला कोई इतना भी सीन नहीं है। मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए भाई चला रहा हूँ, वो पैसे पूसे वाला देखो कोई सीन नहीं है। तो जितने पैसे कमाता हूँ उससे ज़्यादा तो भाई एक वीडियो को बनाने का मेरा बजट ही लग जाता है, तो वो कोई सीन नहीं है। लेकिन भाई मैं तुमको ज़रूर बता दूंगा कि तुम्हें किस तरह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। मुझे कमेंट जरूर कर देना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चैनल के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियो आने वाली है जो तुम्हारी नॉलेज को भाई गेमिंग इनटू 100 करने वाली है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।